प्लान नहीं किया, कुछ हो गया वो आया अपने आप चला जाएगा। हाँ। और दूसरा विचार ये आएगा कि शायद गणेश जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में हमें मंच पे सुशोभित किया है, माउस के रूप में हमें उसे हाथ जोड़ करके आगे बढ़ा देंगे। धन्यवाद। बराबर, अपने अपने विचार थे, सबके सही थे, अच्छे थे। ऐसी एक परिस्थिति कहीं सालों पहले बनी थी। एक व्यक्ति थे, वे करीबन 7 जॉब में से रिजेक्ट हुए थे। He used to introduce himself as a creative director, as a creative person in graphics. He used to get jobs on this particular profile. But he was people, that is his administrators and his bosses would not find him that creative. हो गया था, गैराज में बैठे थे, ऐसी कोई 30 तारीख थी, 31 लास्ट तारीख थी, पहली तारीख से वो घर खाली करना था। तो बैठे थे, सोच रहे थे कि चलो 2 दिन के बाद कहां जाएंगे, कुछ है तो नहीं अपने पास। गैराज में बैठे थे, गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे। वहां टेबल पड़ा था, टेबल पे पैर चढ़ाए गए, ऐसे ही बैठे थे, हाफ अ कप ऑफ कॉफी था, आधी ब्रेड थी, खाते थे, फिर रखा ब्रेड नीचे, उसमें ये चूहा कहां से आ गया, दौड़ के टेबल पे आ गया। देखा उसने, सीधा वो ब्रेड का जो टुकड़ा था वो मुंह में ले लिया। मन में सोच रहे थे कि बहुत कुछ लोग ले गया, तू ये भी ले जा, चल तेरे नसीब में होगा। फिर तो वो चूहा ने वो टुकड़ा बाजू पे रखा, मग के ऊपर 2 हिंड लिम्ब से ऊपर होके चढ़ा, देखे के अंदर कुछ है खाने पीने के लिए, तो मुंह अंदर डाल के थोड़ी एक सीप भी मार ली कॉफी की। देख रहे थे ये कि चूहा क्या कर रहा है। फिर दौड़ के इस तरफ आया, फिर देखा चूहा ने कि और कोई तो नहीं है ना, फिर से दौड़ के आया, फिर से खाना पीना शुरू किया। मजा आया इनको, बहुत आनंद आया, थोड़े मनोरंजन की बात आपने की ना, मजा आया। तो एक मिनट, पची बहुत आनंद आया, मनोरंजन आया। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया, आई वॉज एंटरटेन विद दिस, कैन आई शो द सेम एक्ट्स ऑफ दिस माउस टू द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, एंटरटेन देम एंड मेक बिग मनी। एंड फ्रॉम दिस थॉट गॉट बर्थ of one of the most, rather the most famous character of motion picture. मैं बात कर रहा हूं मिकी माउस, most famous character of motion picture, मिकी माउस। वे व्यक्ति थे वॉल्ट डिज्नी, उसमें से डिज्नी वर्ल्ड खड़ा हो गया अमेरिका में। टूडे मोर देन 55,000 to 60,000 विजिटर्स पर डे। यूरो डिज्नी खड़ा हो गया, जापान डिज्नी हो गया, और अभी मुंबई और पुणे के बीच हाईवे पे डिज्नी वर्ल्ड चालू हो जाएगा। चूहा तो उसने भी देखा, हमने भी देखा, चूहे को कुछ करते हुए उसने भी देखा, हमने भी देखा, आप तो वीडियो के माध्यम से ऐसे देख ही रहे थे। एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस, किस दृष्टि से आप कोई घटना को देखते हो, उस घटना को देखने के बाद आपकी सोच में व्यक्तिगत प्रगति, सामाजिक प्रगति, समाज, सोसाइटी, दुनिया की सोच आती है कि नहीं, वहां से वो बात बड़ी हो जाती है। भगवान ने एटम इतना छोटा बनाया, इतनी एनर्जी दे दी, उससे ये हासिल, उससे ये विचार आना चाहिए कि हर एक छोटी चीज में बड़ी बात है ही। एवरी स्मॉल थॉट एंड एवरी स्मॉल एक्ट हैज द पावर टू क्रिएट अनबिलीवेबल ह्यूज रिजल्ट्स। आपकी तो ये स्टार्टअप सिटी है, बैंगलोर इज अ स्टार्टअप सिटी, किस किस प्रकार के लोग स्टार्टअप करते हैं, जब पढ़ते हैं तब ताज्जुब रह जाते कि इस प्रकार के विचार लोगों को आते। अभी आपने न्यूज में आज ही पढ़ा होगा कि गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय थे, उसने एक $1 बिलियन का स्टार्टअप किया।
मुंबई में एक लड़के ने ही स्टडिंग इज सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग बी कंप्यूटर कर रहा है, उसने एक स्टार्टअप चालू किया, एक स्टार्टअप किया मतलब उसमें यही बात थी कि कोई भी माता को चिंता रहती है, छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बस में चढ़ गया होगा, बस से उतर गया, उसका कुछ लगा नहीं होगा, स्कूल में पहुंच गया होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं। तो उसने एक अच्छा सॉफ्टवेयर और सेंसर्स बनाए कि जब स्कूल बस में बच्चा चढ़ता है तो उसके बच्चे को स्कूल बस के तीसरे